देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये खूबसूरत सा जो सिंगल फ्लोर हाउस डिज़ाइन ये जो देख रहे हैं, ये जो डिज़ाइन है हमने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमर के प्लान के अकॉर्डिंग बनाया था। और इसका नक्शा भी हमने बनाया था, काफ़ी अच्छा और सुंदर सा नक्शा हमने बनाया था। लगभग 1400 स्क्वायर फीट में ये जो है पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है, मतलब लगभग 35 फीट बाय 40 फीट में ये जो है पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है, प्लान बनाया गया है। वो प्लान भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और उसको शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सा प्लान है, आपको आपके घर के लिए या आपके प्लान के लिए इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो आइडियाज आ सकती है। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। मेरा नाम डी के लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिजाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में, इस साइड में मेन एंट्री बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेप बताए गए हैं, यहाँ पर मेन एंट्री बताई गई है। उसके बाद में यहाँ पर एक विंडो है और आप देख सकते हैं खूबसूरत सा जो है यहाँ पर एक बालकनी डिज़ाइन हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो है, विंडो को भी काफ़ी खूबसूरत डेकोरेट किया है। इसके बाद में यहाँ पर इस साइड में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है बड़ा सा एक बालकनी बनाया गया है, वरांडा बनाया गया है। इसे भी हमने काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रेक्टिव बनाने की कोशिश की थी। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पूरा जो है डिज़ाइन बनाया था, मतलब उनकी जैसी चॉइस थी उसी के अकॉर्डिंग ये जो है पूरा डिज़ाइन हमने बनाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन जो है इसका कलर ऑप्शन है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अब इसका नक्शा जो हमने बनाया था वो किस टाइप में बनाया था वो भी एक बार देख लेते हैं और शॉर्ट में समझ लेते हैं। वैसे तो प्लॉट का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा था, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है 35 फीट बाय 40 फीट में किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में रोड बताया गया है और ये वेस्ट फेसिंग रोड है, इस साइड में नॉर्थ फेस है। तो यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर मेन एंट्री बताई थी, देखिए आप देख सकते हैं 5 फीट 2 इंच जो है यहाँ पर मेन एंट्री है, यहाँ पर वरांडा बताया गया है और वरांडे से हम ये फायर में एंट्री कर सकते हैं। 6 फीट बाय 8 फीट 7 इंच का यहाँ पर ये फायर का साइज़ है, मतलब 6 फीट बाय 8 फीट 7 इंच का। उसके बाद में यहाँ पर एक बालकनी बताई गई है, आप देख सकते हैं 4 फीट वाइड। और यहाँ से एंट्री करते हैं इस फायर से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिविंग हॉल में एंट्री कर सकते हैं। 22 फीट 4 इंच बाय 11 फीट 6 इंच का इसका साइज़ है, मतलब 22 फीट 4 इंच बाय 11 फीट 6 इंच का, जो काफ़ी अच्छा साइज़ है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में हमको एक मास्टर बेडरूम मिल रहा है जिसका साइज़ है 11 फीट 7 इंच बाय 11 फीट का, मतलब 11 फीट 7 इंच बाय 11 फीट का यहाँ पर जो है मास्टर बेडरूम का साइज़ हमको मिल रहा है। और इसे 2 विंडोज बताया गया है तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इसको एक अटैच वाले बाथरूम भी दिया गया है जो अंदर से यूज़ होगा, 8 फीट बाय 4 फीट का इसका साइज़ बताया गया है। आगे बढ़ते देखिए राइट साइड में फिर से एक मास्टर बेडरूम हमको मिल रहा है जिसका साइज़ है हमको 11 फीट 7 इंच बाय 11 फीट का है, मतलब 11 फीट 7 इंच बाय 11 फीट का सेम साइज़ बताया गया है। और इसे भी अटैच वाले बाथरूम बताया गया है जो अंदर से यूज़ होने वाला है, इसे भी 2 विंडोज बताया गया है तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद में राइट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन बताया गया है, ये ओपन किचन बताया गया है और किचन ओपन किचन कम डाइनिंग बताया गया है। और स्टेयर के जो है अंदर से बताया गया है, आप देख सकते हैं सीढ़ी जो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, उसके बाद में हम टर्न करेंगे और फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर किचन ओटा बताया है, यहाँ पर डाइनिंग बताया गया है और इसका साइज़ हमको मिलता है लगभग 13 फीट 7 इंच बाय 19 फीट 2 इंच का, मतलब 13 फीट 7 इंच बाय 19 फीट 2 इंच का जो है हमको साइज़ मिल रहा है, जो काफ़ी बड़ा साइज़ है। उसके बाद में यहाँ पर लिविंग रूम से ही यहाँ पर राइट साइड में फिर से एक बेडरूम मिल रहा है जिसे हम मास्टर बेडरूम भी कर सकते हैं। इसमें एक अटैच वाला बाथरूम बताया गया है 4 फीट बाय 8 फीट का और इस मास्टर बेडरूम का साइज़ हमको मिल रहा है लगभग 12 फीट बाय 11 फीट का, मतलब 12 फीट बाय 11 फीट का। और इसमें यहाँ पर एक वार्डरोब है, यहाँ पर इसको विंडो बताया गया है और इस साइड में बालकनी भी बताया गया है। तो जैसे हमने डिज़ाइन में आपको बताया था, यस यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है जो पूरा पूरा जो है यहाँ पर बालकनी बताया गया था और यहाँ पर उसका मेन एंट्री बताई गई थी लिविंग रूम से। तो आप देख सकते हैं 32 फीट 2 इंच लगभग यहाँ तक है, उसके बाद में ये 3 फीट है, मतलब 35 फीट जो है लगभग यहाँ से यहाँ तक है और 40 फीट जो है इसका हाइट है। तो इस टाइप में ये जो है पूरा प्लान हमने बनाया था कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जगह था उनके पास, इस साइड में गार्डन है, यहाँ पर पार्किंग बताया गया है, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है ये सीट आउट का एरिया बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड का ये जो एरिया दिख रहा है ये यहाँ पर इस साइड में बताया गया था लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में जो ये जो फ्रंट है यहाँ पर जो बालकनी बताई गई है इसे जो है इस टाइप में ये जो है पूरा डिज़ाइन हमने बनाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको ये डिज़ाइन और ये प्लान जो है कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको भी प्लान की या डिज़ाइन की जरूरत है तो यहाँ पर आपको हमारे ऑफिस के नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। आपके शेयर से किसी की मदद हो सकती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।